एक कड़ी सी रफ्तार पकड़ी जाएगी। तो आई थिंक मार्केट एंड ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स दे शुड बी मोर देन हैप्पी विद द प्राइस एक्शन। मार्केट्स में आप कल की बात करें थोड़ा डिसाइसिव सेलिंग आई थी, मगर मुझे नहीं लगता है कि उसको देख करके आपको चिंता करनी चाहिए। मगर दिसंबर के महीने में क्या फैक्टर्स वर एट प्ले और जनवरी के महीने में कौन से फैक्टर्स हैं जो प्ले पर हैं? दिसंबर के अंदर ईयर एंड कंपल्शंस थे। दिसंबर में मार्केट ने इग्नोर करा था कि किस प्रकार का वायरस स्प्रेड होगा। दिसंबर में मार्केट ने इन्फ्लेशन को इग्नोर करा था। दिसंबर में मार्केट ने फेड की कॉमेंट्री को इग्नोर करा था। मगर जनवरी के अंदर जी एकदम अलग सिनारियो है। अर्निंग सीजन है, एक प्री बजट बिल्टअप की, एक प्री बजट रैली का जो माहौल है क्या वो होगा? और तीसरा, क्या हम मेडिकल न्यूज़ को कितने दिन तक और इग्नोर कर सकते हैं? यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है मिहिर, कि हम हालांकि एक प्रकार से थोड़े सचेत, एक प्रकार से यू नो वी आर वेरी रिलीव्ड कि दिस ओमिक्रॉन वायरस इज़ नॉट बिग इन टर्म्स ऑफ मोर्टैलिटी, मगर इसका इम्पैक्ट बिजनेस पर, सेंटिमेंट पर, एक्टिविटी पर, डे टू डे मूड पर, इन सब पर जरूर पड़ रहा है। इंटरेस्टिंग मिहिर निकुंज, गुड मॉर्निंग। आपने धीरे धीरे करके हमको पिछले 4-5 दिन में ऐसे सेक्टर्स बताए हैं जहाँ पे एक्शन भी देखने को मिल रहा है। आपने बैंक कहा, आपने इंश्योरेंस कहा, कल आपने मेटल्स के बारे में चर्चा की। जब मैंने आपसे छोटा सेक्टर पूछा तो आपने कहा टेक्सटाइल पे भी ध्यान रख सकते हैं। सर, 12 तारीख को तीनों आईटी बड़ी कंपनियाँ विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस के एक साथ नंबर आने वाले हैं 12 तारीख को। अब आज है 7 तारीख, आज का ट्रेडिंग है, कल और परसों की है छुट्टी, हमारे पास ट्रेडिंग सेशन रह जाएंगे सिर्फ 3। आईटी कंपनीज पर आपका रुख क्या है ठीक अर्निंग से पहले, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। डीबी देखिए, आईटी परफॉर्मिंग सेक्टर है, आईटी में ग्रोथ है, आईटी में एक्सेंचर के नंबर्स जिसको मैं बेंचमार्क के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो देख करके साफ जाहिर हो रहा है कि आईटी कंपनीज की जो साइकिल है इस समय काफ़ी आउट परफॉर्मिंग साइकिल रहेगी। पिछले साल हमने देखा था कि मीन रिवर्जन भी हुआ था कि जी टीसीएस इस समय कम टीसीएस में टेक महिंद्रा में ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस था बिकॉज वह सस्ता था, और टीसीएस के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस था वो इतना ज़्यादा नहीं था बिकॉज वह महंगा शेयर था। तो अगर हम 12 तारीख की बात करें तो मेरा यह मानना है कि अगर आईटी के नतीजे अगर अच्छे आएंगे तो मार्केट को पता है, मगर आईटी स्टॉक्स को ऊपर जाने के लिए नंबर्स को या नतीजों को अच्छे नहीं बहुत अच्छे होना पड़ेगा। टीसीएस खास करके सबके रडार पे रहना चाहिए बिकॉज टीसीएस के पिछले 2 तिमाही के जो नंबर थे वो अच्छे नहीं थे। क्या टीसीएस इस समय वो जो इसमें जो क्रंच आया था उसके अंदर जो वॉलिटिलिटी आई थी उसके नंबर्स के अंदर, क्या वह उससे निकल पाएगा? दूसरा, विप्रो पे ज़रूर नज़र रखिए। विप्रो पे इसलिए नज़र रखिए बिकॉज विप्रो के अंदर जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है, जो नए मैनेजमेंट के बाद इन्होंने जो स्ट्रीमलाइनिंग करी है, रीस्ट्रक्चरिंग करी है, बिजनेस ओरिएंटेशन करा है, एक प्रकार का डार्क हॉर्स हो सकता है। सो द हेडरूम फॉर इंफोसिस नाउ टू कंक्लूसिवली बीट द मार्केट एक्सपेक्टेशंस इज डिफिकल्ट। टीसीएस हैज़ टू बीट द मार्केट और हैज़ टू कम आउट विद गुड सेट ऑफ नंबर्स, अदरवाइज स्टॉक के अंदर हम देख सकते हैं थोड़ा सा कंप्रेशन हो सकता है। मगर विप्रो रियली कैन बी द डार्क हॉर्स सिंपली बिकॉज सस्ता है, एक रिकवरी मोड में है, नए मैनेजमेंट काफ़ी बेहतरीन काम करा है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग लो है, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑन दैट बेस फॉर विप्रो कैन बी द बेस्ट। तो ये तो थी आईटी शेयरों पे रहने को जो। गुड मॉर्निंग, एक खबर पर मैं आपका व्यू लेना चाहूंगी, वो है हिंदुजा ग्लोबल। इसमें क्या करें, पिछले काफी समय से, 1 महीने से अच्छा चल भी रहा था ये स्टॉक। कल अपडेट आया कि हेल्थ केयर बिजनेस की हिस्सा बिक्री प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन डिविडेंड जिस पर सबकी नज़र थी वो अनुमान से कम है। इस खबर को देखते हुए, कल वैसे कमज़ोर था ये स्टॉक, लेकिन इस खबर को देखते हुए क्या करना चाहिए निवेशकों को, इस स्टॉक को कैसे अप्रोच करना चाहिए? एक मिड कैप स्टॉक है पूछा, और मैंने इसको इतना पर्सनली स्टडी नहीं करा है तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा शायद।